हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज का चैप्टर है हमारे पास क्लास 11 का चैप्टर नंबर सेकंड, दैट इज नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। क्लियर है? तो ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज द डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। तो भैया बिजनेस की डेफिनेशन क्या है और उसका क्या मतलब होता है? तो सीधी भाषा में बात किया है तो बिजनेस हमारा एक वो एक फिनोमिना है, एक ये प्रोसीजर होता है कि कोई भी जब एक पर्सन जब अपना प्रोडक्ट या सर्विस हमें देता है तो हम लोग उसके अगेंस्ट में उसको कैश देते हैं, पैसा देते हैं। क्लियर है? मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग कैश देते हैं, लेकिन बहुत बार कुछ ऐसा भी, जैसे आपने सुना होगा पहले के टाइम में बार्टर सिस्टम चलता था कि भाई तुम हमें गेहूं दो तो हम तुम्हें चावल देंगे, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कहीं कहीं, किसी किसी एक्सेप्शनल केसेस हैं ये सब। ठीक है? तो यहाँ पे बिजनेस का डेफिनेशन क्या है कि भाई जस्ट टू अर्न द प्रॉफिट वी यूज टू गेट द प्रोडक्ट और द सर्विसेज। क्लियर है? मोटी मोटी सी भाषा में। क्लियर? यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको दी हुई है एल एच हेने की, कि बिजनेस में बी डिफाइंड एज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू द बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ अ गुड। क्लियर है? तो कोई भी जब हम लोग गुड्स जब हम लोग बाय करते हैं, सेल करते हैं, वी यूज टू एक्वायर द वेल्थ एंड वी यूज टू गेट द प्रॉफिट। क्लियर है? इतना ही दिया हुआ है यहाँ पे। और भी बहुत सारे जो आपके इकोनॉमिस्ट हैं, आपके बी ओ व्हीलर है, एल आर डिक्से हैं, जेम्स स्टीफेंसन हैं, कीथ एंड कार्लो, ठीक है? तो ये सारे इकोनॉमिस्ट हैं, तो आप इनमें से चाहे किसी की भी जो डेफिनेशन है वो आप पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ठीक है? तो यहाँ पे बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये देखते हैं। तो पहला है हमारे पास क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज एक जब प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो हम लोग किसके लिए बना रहे हैं? तो ह्यूमन के सेटिस्फैक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए। क्लियर है? तो जितनी भी जो ह्यूमन की जो विलिंगनेस है, जो भी उसकी जो इच्छाएं होती हैं, इसकी इच्छाएं पूरी हो जाए। भाई एसी लगा हुआ है तो मेरी इच्छा है कि भाई मेरा कमरा जो है समर के टाइम में भी ठंडा रहे। क्लियर है? हमारे पास फोन होता है, हमारे पास लग्जरी कार्स भी होती हैं, ठीक है, हमारे पास टू व्हीलर भी होता है, हमारे पास फोर व्हीलर भी होता है, बहुत सारे जो हाई प्रोफाइल जो रिच पीपल होते हैं उनके पास प्राइवेट जेट प्लेन्स होते हैं, ठीक है। तो वो सारे क्या है कि वो सारी ही चीजें आपके आपकी एक विलिंगनेस के लिए, आपके आपका सेटिस्फैक्शन था तो कंपनी बना रही है, आपको दे रही है, तो वो आप उसको यूज कर रहे हो। क्लियर है? सो दैट इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? अब जब बिजनेस की बात आएगी तो वहां पे तो डीलिंग होती है, तो हम लोग वहां पे नॉर्मल सी बात है, या तो हमारे पास गुड्स होगा या फिर हम लोग सर्विस दे सकते हैं। तो गुड्स आपका जानते ही है, एक्स वाई जेड, तेल, साबुन, मंजन, फोन, कार, बाइक, साइकिल, एसी, टीवी, फ्रिज, हर एक चीज हमारे पास क्या ये प्रोडक्ट है। क्लियर है? अब यहाँ पे सर्विसेज क्या क्या आती है, जैसे कि एक ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, वेयर हाउसिंग की सर्विसेज, ठीक है, एक बैंकिंग भी हो सकती है, तो ये सारी हमारे पास सर्विसेज होती है। क्लियर है? तो बिजनेस हमारे पास वही होता है जहां हम लोग प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर के दोनों के टैकल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कॉन्टिन्यूटी इन डीलिंग्स। ठीक है? तो जितनी भी जो डीलिंग्स हम लोग प्रोडक्ट और सर्विस के बेसिस पर कर रहे थे तो वो हमारे एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में होना चाहिए। क्लियर है? जैसे कि आप अगर किसी सामान खरीद रहे हैं तो आपको हर हफ्ते या 10 दिन में 15 दिन में आपको वो सामान लेना चाहिए। ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने बस एक बार ले लिया फिर उससे कभी ले नहीं रहे, तो दिस इज नॉट द बिजनेस। क्लियर है? तो बिजनेस का मतलब होता है कि आप हर एक टाइम इंटरवल पर, जैसे कि जो कपड़े की जो डिमांड होती है वो हमारे कौन से टाइम पे होती है, एक तो दीपावली में होती है, फिर ईद में होती है, ठीक है, और क्रिसमस में भी बहुत सारे लोग पहनते हैं या खरीदते हैं, तो वहां पे जैसे क्या हो गया, तो ये जो कपड़े की जो सेलिंग है और परचेजिंग है ये आपकी बिजनेस कहलाएगी। ठीक है? हर एक इवेंट में, हर एक साल में आता है, और साल में कई इवेंट में हम लोग पहनते भी हैं, तो ये जो आपका हर एक इंटरवल में अगर जो भी हम लोग फिनोमिना, ये जो प्रोसीजर है, हम लोग फॉलो करते हैं, तो दैट इज नोन एज द बिजनेस। ठीक है? तो ये हमारी एक कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज। क्लियर है? तो कोई भी जब भी हम लोग कुछ काम करते हैं तो हम लोग उसको बेचते हैं, तो नॉर्मल जब सेल करते हैं, जब हमने कोई चीज सेल कर दी तो दैट इज द सेल। ठीक है? या फिर ट्रांसफर करते हैं जब हम लोग किसी को कोई भी जब कम्युनिटी या कोई भी हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग ट्रांसफर भी कर सकते हैं। बहुत ऐसे आपके बुक में क्या दिया हुआ है कि जब भी कोई बंदा कोई खाना जब अपनी फैमिली के लिए बना रहा है, सो दैट इज नॉट द बिजनेस। ठीक है? लेकिन वही खाना जब आप रेस्टोरेंट में किसी दूसरे कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं तब वहां पे आप सेल कर रहे हो। ठीक है? तब आप वहां पे आप क्या देखोगे, आप अपना प्रॉफिट मोटिव देखोगे।
क्लियर है। तो उसी प्रकार से वही चीजें होती है कि जब आप जब गाड़ी जब बेच रहे होते हो किसी पर्सन को, तब आप वहां पे सेल कर रहे होते हो, क्लियर है। लेकिन जब आप गाड़ी जो है किसी अपने ही कोई बेच रहे हो, कोई रिलेटिव हो गया, कोई अपना डॉटर या सन के लिए ले रहे हो, तो वहां पे आप प्रॉफिट नहीं देखोगे। तो वहां पे आप ये चाहते हो कि कितना कम से कम हम इसको करवा के दे दें करके, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। नॉर्मल सी बात है कि कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है तो वो सिंपल सी बात है कि एक प्रॉफिट के लिए करेगा, विदाउट हम लोग यहाँ पे बिजनेस सोशल वर्क के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। सोशल वर्क करेंगे तो आपका बिजनेस स्टैंड ही नहीं करेगा, लॉन्ग रन में जा ही नहीं पाएगा, वो आपको बिजनेस अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट ऑफ रिस्क, ठीक है। तो हमारे पास रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे इस टाइम पे बहुत कोविड के टाइम पे हमारे बहुत बिजनेस ऐसे हैं जो बंद हो चुके, मतलब ऐसे बंद हो चुके कि वो दोबारा खोल भी नहीं सकते। दैट रिक्वायर्ड अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्लियर है। तो यहाँ पे रिस्क भी बहुत होता है, या मान लीजिए कि कुछ सीजनल रिस्क भी हो सकते हैं, ठीक है, या ईयरली रिस्क भी होते हैं कि भाई साहब इसमें खतरा भी हो सकता है, क्लियर दिस वन। नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये क्या है हमारे पास कि बिजनेस इज प्राइमरली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एज इट इन्वॉल्व्स अ प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग द मनी, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है कि आप अकेले नहीं कर सकते, वी यू नीड अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, कि भाई साहब एक से दूसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे, तो इतने जो लोग जब जुड़े होंगे आपके बिजनेस में, तभी आपका बिजनेस जो है सक्सेसफुल हो पाएगा और आप उसमें काम कर पाए, क्लियर है। आप ये कहें कि आप ही अकेले ही रहो और सारा प्रॉफिट आप ही कमाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आर्ट एज वेल एज साइंस। सो बिजनेस इज एन आर्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस इज ऑल्सो अ साइंस बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड द लॉज। आर्ट, इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल से कि आर्ट कैसे, कभी भी आप मॉल जाते हो या मल्टीप्लेक्स वगैरह जाते हो तो जब भी देखो लाइफ स्टाइल में या बिग बाजार में कपड़े और जो प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में रखते हो। तो सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है, आप वो जो प्रोडक्ट जो सामान ऐसे रखा जाता है कि सामने वाला आराम से खरीद सके, ठीक है, उसका एक अट्रैक्शन जाए कि उसको सामान इतना अच्छा लगना चाहिए, क्लियर है। वहाँ पे हाइजीन्स होते हैं, साफ सुथरा एरिया होता है, और आप बिग बाजार में एसी में रहते हो, तो इसका मतलब जितनी भी जो सर्विसेज आपको दी जा रही वो एक कला है, वो एक आर्ट है, उसको एक ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है आपके सामने, क्लियर है। और साइंस क्या है, साइंस भी यही है कि अगर आप क्या कहते हैं कि अगर बहुत सारे हमारे बिजनेस के लॉज होते हैं, इफ़ यू जस्ट कैन नॉट जस्ट ओबे दैट लॉ, तो आपका बिजनेस वहाँ पे नहीं चल पाएगा, क्यों वो आप जानते हो। नॉर्मल सी बात है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं या जो सर्विस, वो जो कम्युनिटी होती है हमारे पास, वो हमको MRP से कम में मिलती है, क्लियर है। लेकिन अब अगर हम कस्टमर को भी उसी रेट पे देंगे तो हम लोग वहाँ पे सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे, क्लियर है। तो ये चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती है कि जो साइंस भी होता है, इट इज़ साइंस एज वेल एज द आर्ट। हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द नेसेसिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस की नेसेसिटी क्या है, क्यों जरूरी है भाई बिजनेस, क्लियर है। तो पहला हमारे पास टू रिमूव पॉवर्टी, भैया गरीबी मिटाने के लिए। तो गरीबी कैसे मिट सकती है, हम लोग बिजनेस खोलेंगे तो जितने भी जो लोग होते हैं, हमें और भी लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि भैया वो हमारे पास आए और हमारे पास नौकरी करें या जॉब करें, ठीक है। तो इसीलिए होता है कि जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो वहां पे लोगों को काम मिलता है एंड दे गेट द एक्सचेंज द सैलरीज, ठीक है। तो उनके एवज में उसको अगेंस्ट में सैलरी मिलती है या फिर वेजेस मिलते हैं, क्लियर है। तो इससे उनको होता क्या है कि उनकी जो गरीबी होती है वो दूर होती है और वो और अपनी लाइफ को और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि भाई साहब जब हम लोग बिजनेस खोलते हैं तो हम लोगों को बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, बहुत सारे जो स्किल वर्कर की जरूरत होती है, ठीक है, हमें मैनेजमेंट लेवल की जरूरत होती है। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, हमें काम मिलता है, ठीक है। तो वहां पे हमारे इंस्टीट्यूशन में या हमारी जो कंपनी है तो हम लोग उनको हायर करते हैं, तो वी दे गेट द एम्प्लॉयमेंट, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। हर एक पर्सन चाहता है कि भाई साहब वो बहुत ही अच्छे से घर पे रहे, उसका एक बहुत ही सुंदर सा घर हो, बहुत अच्छी सी उसकी फैमिली हो, और उसका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो और अच्छा, उसके जो बच्चे हैं बहुत अच्छे स्कूल में जाएं और बच्चे उसके बहुत अच्छे मॉल से कपड़े खरीदे। तो सिंपल सी बात ये है कि जब भी इंसान जब काम करेगा तब उसका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो कैसा होगा, वो उसका इम्प्रूव होता जाएगा।
पॉइंट हमारे पास टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है कि अ कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग नीडेड बाय इट्स ओन बाय इट्स पीपल, ठीक है। तो कंट्री के पास हर एक चीज खुद की ही नहीं हो सकती, क्लियर है। तो उसको वहां पे क्रॉस ट्रेड भी करना पड़ता है। तो बहुत बार हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड भी करते हैं, जिससे कि जो हम अब जब हम किसी मान लो कि यूएस के पर्सन से अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो यूएस का जो पर्सन है नॉर्मल सी बात, अगर हम उसे खरीदेंगे तो हम उसको रुपए तो देंगे नहीं एक्सचेंज में, तो हम लोग क्या देंगे उसको, यूएस डॉलर्स देंगे, ठीक है। अगर यूके में हम लोग बेच रहे हैं तो वहां पे हम लोग क्या देंगे उसको, पाउंड्स देंगे। तो यही चीजें होती है जो फॉरेन एक्सचेंज है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या होता है, जो हमारी विदेश की जो करेंसी होती है, दैट इज अ वेरी गुड सोर्स की व्हेन वी यूज टू डू द इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो उसके लिए हमारा जो ट्रेड एक होता है वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज करने के लिए वो बहुत अच्छे के रूप में काम आता है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास टू प्रमोट द सोशल वेलफेयर, क्लियर है। सो द बिजनेस कैन एनरिच द ह्यूमन लाइफ एंड एस्टैब्लिश अ बेटर सोसाइटी इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन कास्ट एंड द रीजन्स कम टू वन अनदर, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग जब सोशल वेलफेयर मतलब क्या होता है, हर एक पर्सन जब एक क्रॉस कनेक्शन करता है, जब क्रॉस ट्रेड करता है, तो नॉर्मल सी बात है कि बहुत सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के कल्चर को जानते हैं, समझते हैं, रिलीजन को समझते हैं, एक दूसरे के रिलीजन के रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्लियर है। कोई जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिज्म, तो हर एक जो पर्सन होता है वो हर एक दूसरे के जो रिलीजन होता है उसको रिस्पेक्ट करता है। तो रिस्पेक्ट करने का मतलब ही यही होता है कि हम लोग एक दूसरे को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, ना हम उसको नीचे दिखा रहे हैं और ना ही वो हमें नीचे दिखा रहा है, क्लियर है। तो हर एक की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना भाई पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो पढ़ाई मतलब क्या होता है कि हम लोग ये पढ़ाई जो होती है धर्म से भी बहुत ऊपर होती है, क्लियर है। तो हर एक को ये मतलब बढ़िया फील कराते हैं कि बस ये होता है कि हर एक जो पर्सन होता है वो एक बराबर होता है, हर एक लेवल पे होता है, क्लियर है। कोई धर्म अच्छा या बुरा नहीं होता, सारे ही धर्म अच्छे होते हैं, क्लियर है। और हर एक इंसान, कोई भी इंसान अच्छा बुरा नहीं होता, सारे ही इंसान अच्छे होते हैं, अनटिल एंड अनलेस दे हैव बीन गिवन अ रिक्वायर्ड एंड द गुड अमाउंट ऑफ एजुकेशन एंड मैनर्स एडिकेट्स एंड सो ऑन, ठीक है। जो कि एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है ना एक बंदे के अंदर, तो वो होना चाहिए, क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।